सब्सक्राइब कीजिए संसार सागर यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस बेल को ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। ये बिल्कुल फ्री है। संसार सागर में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक। एक बार की बात है, एक गांव में एक धनी व्यक्ति रहता था। उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वह बहुत ज्यादा आलसी था। अपने सारे काम नौकरों से ही करवाता था और कुछ सारे दिन सोता रहता था। वह धीरे धीरे बिल्कुल निकम्मा हो गया था। उसे ऐसा लगता जैसे मैं सबका स्वामी हूं, क्योंकि मेरे पास बहुत धन है, मैं तो कुछ भी खरीद सकता हूं। यही सोचकर वह दिन रात सोता रहता था। लेकिन कहा जाता है कि बुरी सोच का बुरा नतीजा होता है। बस यही उस व्यक्ति के साथ हुआ। कुछ सालों उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका शरीर पहले से शिथिल होता जा रहा है। उसे हाथ पैर हिलाने में भी तकलीफ होने लगी। यह देखकर वह व्यक्ति बहुत परेशान हुआ। उसके पास बहुत पैसा था। उसके शहर से बड़े बड़े डॉक्टर को बुलाया और खूब पैसा खर्च किया, लेकिन उसका शरीर ठीक नहीं हो पाया। वह बहुत दुखी रहने लगा। एक बार उस गांव में एक साधु गुजर रहे थे। उन्होंने उस व्यक्ति की बीमारी के बारे में सुना तो उन्होंने सेठ के नौकर से कहा कि वह उसकी बीमारी का इलाज कर सकते हैं। यह सुनकर नौकर सेठ के पास गए और साधु के बारे में सब कुछ बताया। अब सेठ ने तुरंत साधु को अपने यहां बुलाने, लेकिन साधु ने कहा कि वह सेठ के पास नहीं जाएंगे। अगर सेठ को ठीक होना है तो वह स्वयं यहां चलकर आए। सेठ बहुत परेशान हो गया, क्योंकि वो असहाय था और चल फिर नहीं पाता था। लेकिन जब साधु आने को तैयार नहीं हुए तो हिम्मत करके बड़ी मुश्किल से साधु से मिलने पहुंचे। पर साधु वहां थे ही नहीं। सेठ दुखी मन से वापस आ गया। अब रोजाना यही नियम हो गया। साधु रोज उसे बुलाते, लेकिन जब सेठ आता तो कोई मिलता ही नहीं था। ऐसे करते करते 3 महीने गुजर गए। अब सेठ को लगने लगा जैसे वह ठीक होता जा रहा है। उसके हाथ पैर धीरे धीरे काम करने लगे हैं। अब सेठ की समझ में सारी बात आ गई कि साधु रोज उससे क्यों नहीं मिलते थे। लगातार 3 महीने चलने से उसका शरीर काफी ठीक हो गया था। तब साधु ने सेठ को बताया कि बेटा, जीवन में कितना भी धन कमा लो, लेकिन स्वस्थ शरीर से बड़ा कोई धन नहीं होता। यही बात हमारे दैनिक जीवन पर भी लागू होती है। पैसा कितना भी कमा लो, लेकिन स्वस्थ शरीर से बढ़कर कोई पूंजी नहीं होती।